हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग एक ऐसा चैप्टर जो सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसका वेटेज कम है लेकिन क्लास है बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्मुले बहुत सारे डिफरेंट काइंड क्लास रूल्स लगते हैं कैलकुलेशंस हैं बहुत सारी रेशियो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बट जिसको एटी आउट ऑफ एटी की प्रिपरेशन करनी है वो ये चैप्टर कभी छोड़ के नहीं जाएगा तो आज अच्छे से क्लास इस चैप्टर का पूरा का पूरा शुरू से लेके एंड तक रिविजन करेंगे ए टू जेड हर एक चीज अच्छे से रिवाइज करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज जो हैं, वो भी हम लोग कवर करेंगे तो पूरी की पूरी वीडियो क्लास एंड तक देखना जितने भी अच्छे अच्छे रेशियोज हैं, जहां से सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के वो मैं क्लास यहाँ पे आपको कवर करा रहा हूं ठीक है तो अकाउंटिंग रेशियो का वन शॉट बनाते हैं चलो रेशियो की बात करते हैं क्लास कोई भी फ्रैक्शन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसको बोलते हैं रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो तब बन जाता है क्लास जब ये पी बाई क्यू वाला टर्म जो है वो एक अकाउंटिंग टर्म हो किसी भी दो अकाउंटिंग टर्म के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर डिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम रेशियो वन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो जब यही पी और क्यू कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेश हो करंट असर करेंट लाइब्रेटी तो ये क्या बन जाता है क्लास अकाउंटिंग रेशियो अब जो भी रेशियोज़ हैं हम इसमें बहुत सारे रेशियोज़ को पढ़ने वाले हैं जो सी ने नए रेशियो ऐड किए हैं हम उसको भी पढ़ने वाले हैं तो रेशियो कैसे प्रेजेंट किया जाता है किस वे में एक्सप्रेस किया जाता है प्योर रेशियो लाइक टू रेशियो वन थ्री रेशियो वन परसेंटेज लाइक ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट टाइम लाइक थ्री टाइम्स फोर टाइम्स फ्रैक्शन मतलब क्लास थ्री बाई फोर तो इस तरीके से क्लास हम लोग रेशियोज़ को प्रजेंट कर सकते हैं प्योर रेशियो परसेंटेज टाइम एंड फ्रैक्शन अब हम लोग इसके अंदर चार अलग अलग तरीके के रेशियोज़ को पढ़ेंगे सबसे पहला जो रेशियो हमें पढ़ना है वो है लिक्विडिटी रेशियो किसी भी बिजनेस के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को इंश्योर करता है लिक्विडिटी रेशियो कि बिजनेस अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को अपने करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही वर्कर्स को तनख्वाह दे पा रही दे है कि नहीं दे पा रही डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस हैं वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही उस चीज को जानने के लिए क्लास हम क्या पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए अकाउंटिंग रेशियो लिक्विड रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो क्लास सेम वही चीज़ है लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए होता है लंबे समय तक कंपनी टिक पाईगी नहीं कर पाए लंबे समय तक कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी मैं आज पैसा लगा दूँ तो, दो साल बाद डूब जाए तो उसको उसको स्टडी करने के लिए होता है सॉल्वेंसी रेशियो टू नो द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी आपके पास डेट कितने हैं इक्विटी कितने हैं उस बारे में बात बात करता है एक्टिविटी जो रेशियोज़ है वो बात करता है सेल्स की हमारा टर्न कैसा है सेल्स कितना है हमारे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी क्लास डिफरेंट काइंड की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है लाइक ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर इसकी बात करता है तो ये चार अलग अलग तरीके रेशियो है हर रेशियोज के अंदर तीन तीन चार चार पाँच पाँच रेशियोज़ है तो हम पढ़ते हैं एक एक करके सारे रेशियोज को सबसे पहले लिक्विड रेशियो तो मैंने आपसे कहा था शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के लिए ये जो लिक्विड रेशियो होता है वो किसके लिए होता है क्लास शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी किसी भी बिजनेस का जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी है उसको स्टडी करने के लिए उसको जानने के लिए हम जो रेशियोज बनाते हैं उस रेशियो क्या बोलते हैं क्लास लिक्विडिटी रेशियो अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियोज़ होते हैं करेंट रेशियो और क्विक रेशियो सबसे पहला है करेंट रेशियो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्लास यही है करेंट रेशियो और क्विक रेशियो जो करेंट रेशियो है ये जो क्विक रेशियो है ना इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं क्या कहते हैं क्लास इसको लिक्विड रेशियो इसको बोलते हैं क्लास एसिड टेस्ट रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो ठीक है क्विक क्विक लिक्विड रेशियो, गुण रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो ये तीन तरह की रेशियोज होती हैं, ठीक है ठेके? जो करंट रेशियो है इसका फॉर्मूला क्या होता है करंट अपॉन करंट लाइबिलिटीज जो क्विक रेशियोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है क्विक असेट अप ऑन करेंट लाइबिलिटी क्विक असेट को लिक्विड असेट भी बोलते हैं सर करेंट असेट कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा वो असेट जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं स्टॉक डेटर कैश बैंक ठीक है प्रीपेड एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लोन एडवांस आपने शॉर्ट टर्म लोन किसी को दिया है दीज आर करंट असेट और करेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जिनकी पेमेंट आप विद इन ट्वेल्व मंथ्स कर देते हो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ठीक है इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने लिया है तो बैंक ओवर शॉर्ट टर्म कैश वो सब क्या है क्लास करंट लाइबिलिटी इसके अलावा बैंक इसके अलावा क्लास आपने ये ध्यान रखना है कि करंट असेट के अंदर जब भी आप करंट रेशियो निकालते हो तो इग्नोर करंट रेशियो में करंट असेट के अंदर क्लास लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट ध्यान रखना स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स को करंट असेट में कैलकुलेट नहीं करोगे सर क्या ये करंट असेट नहीं होता ये इन्वेंट्री का पार्ट है करंट असेट होता है ये इन्वेंट्री के अंदर आता है करंट असेट होता है ये लेकिन करंट रेशियो की कैलकुलेशन में क्लास हम इसको करंट असेट नहीं मानते क्योंकि ये क्लास ये तो नॉर्मली क्लास स्पेयर पार्ट लूज़ टूल्स है हम इसकी रेशियोज पर इंपैक्ट नहीं डालते तो होगा ही बिजनेस के अंदर और ये खास इंपैक्ट डालेगा नहीं इसकी वजह से क्लास हम इसको लेते नहीं करंट असेट अपन करंट लाइबी लेते हैं और अगर तुम्हें कभी लिखाओ इंक्लूडिंग लूज टूल स्पेयर पार्ट्स उसको इग्नोर कर देना उसको नहीं लेना आपने इसका आइडल रेशियो होता है टू रेशियो वन का फॉर्मला होता है और क्विक असेट का माइनस प्रीपेड एक्सपेंस से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस घटा देंगे तो क्विक असेट आ जाएगा क्विक असेट जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए इन्वेंट्री नहीं हो सकता बचा हुआ क्लोजिंग वो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है यार साल के एंड में जो माल बिका ही नहीं वो थोड़ी आप जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लोगे और प्रीपेड एक्सपेंस आपने अगले साल के लिए आज ही एक्सपेंस कर रखा है तो भैया वो वापस नहीं मिलेगा आपका वो खर्चा हो गया उसको कैश में कन्वर्ट कैसे करोगे आप तो इसीलिए क्विक असेट के अंदर करंट असेट और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं ले मतलब इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेते सो सारा का सारा करंट असेट ही क्विक असेट है बस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दो लूज टू ला लफड़ाई खत्म हो गया बिकॉज इन्वेंट्री के अंदर ही लूज टू लाता है वो तो हमने वैसे ही हटा दिया तो इसीलिए क्लास करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस आएगा क्विक असेट इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और और छोटे छोटे फॉर्मले यूज होते हैं लाइक वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी ये फॉर्मला भी यूज होगा वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी और टोटल डेट जो होता है ना टोटल डेट सारा का सारा कर्जा वो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट इसके बराबर होता है सो टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट जो शॉर्ट टर्म डेट है उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी सो टोटल डेट का फॉर्मूला क्या हो गया टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट और जो शॉर्ट टर्म डेट है हम उसको क्या बोलते हैं करंट लाइबिलिटी तो ये है करंट रेशियो क्विक रेशियो फॉर्मुले यही नहीं रुकते फॉर्मुले क्लास और भी बहुत सारे हैं जिसको क्लास में इस बैलेंस शीट के थ्रू तुम्हें बताने की कोशिश करूँ ध्यान से अच्छे से समझना क्लास बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग फॉर्मले करते हैं कि एक, -एक करके कैसे बनते हैं फॉर्मलेट साइड क्या क्या है नॉन करेंट असट लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंप्यूटर फर्नीचर वो सारी चीज़ें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी क्लास आपने इन्वेस्टमेंट यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपने वो कहीं कर रखा है और अगला है क्लास करंट असट आपने किसी को लोन अगर एडवांस किया ना लोन किसी को दिया है वो भी असट साइड आएगा लोन एडवांस क्या वर्ड लिखते हैं क्लास ये नॉन करेंट असट में आ जाएगा लोन एडवांस मैं अलग से लिख नहीं रहा नॉन करेंट असट लोन एडवांस और अगर हमने शॉर्ट टर्म के लोन दिया तो शॉर्ट टर्म, टर्म लोन एडवांस शॉर्ट टर्म लोन एडवांस ये आएगा करंट एसेट के अंदर ठीक है तो आप तीनों एसेट को जोड़ोगे आएगा टोटल एसेट so, पहला फॉर्मला क्या बना नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट टोटल असेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी बिकॉज जो भी असेट साइड की टोटलिंग होती है वही क्लास क्या होती है आपकी लाइबिलेरी साइड की भी टोटलिंग होती है एसेट लाइबिलेटी सेम होता है ना पता है आपने इलेवन से पढ़ रखा है ओके अब एसेट साइड सुनो चार चीजें आती हैं शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट का मतलब डिबेंचर हो गया लॉन्ग टर्म लोन हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स हो गया पब्लिक डिपॉजिट हो गया जो भी लॉन्ग टर्म के लिए है और शॉर्ट टर्म डेट मतलब करेंट लाइबिलिटी जिनकी पेमेंट विद इन ट्वेल्व मंथ्स करनी है अब ये जो शेयर कैपिटल है और रिजर्व सरप्लस है इन दोनों को मिला के क्लास हम लोग एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विटी क्या नाम देते हैं क्लास इक्विटी या इसी को कह सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड इन दोनों को मिला के कह सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स का पैसा सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड इसको इक्विटी बोलते हैं पूरे चैप्टर में क्लास एक काम आएगा फॉर्मुला ध्यान समझना शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों को मिला क्या बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल के भी दो पार्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इनको मिला के क्या आए क्लास आएगा शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इन सबको मिला के आएगा शेयर होल्डर्स फंड आएगा ठीक है इक्विटी अब लॉन्ग टर्म डेट और करेंट लाइबिलिटी इन दोनों को जोड़ के आता है टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी इन जोड़ गया टोटल डेट सो फॉमला क्या है टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी जो भी लिखा हुआ है और इक्विटी शेयर के आपकी प्लस प्रेफरेंस शेयर की आपकी प्लस रिजर्व सब प्लस आएगा तो क्या आएगा शेयर होल्डर्स फंड ये आपने ध्यान रखना है और एक फॉर्मला और है शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड होता है इंटरनल लाइबिलिटी टोटल डेट मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी ऐसे फॉर्मला बन गया सबसे बड़ा फार्मूला है पूरा शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट पता है क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसा जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया है तो जो मेन फॉर्मूला में वो लिख देता हूँ क्योंकि वो बहुत बार काम आएंगे आपको इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू तसल्ली से क्लास रिवीजन करो आराम से डेढ़ घंटा तक चलेगा रिवीजन मुझे लगता है और आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा जल्दीबाजी मत करो बड़ा चैप्टर है अगर इसके रिवीजन में एक से डेढ़ घंटा नहीं लगाया तो क्या फायदा जब सौ से ज्यादा क्वेश्चन इस पूरे इसके अंदर मैं क्वेश्चन भी काफी कराऊंगा आपको इक्विडिश इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सर ठीक है रिजर्व एंड रिजर्व मतलब जनल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैपिटल रिजर्व डिबेंचर रिजर्व रीवल्यूशन रिजर्व और सरप्लस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट ठीक है और नेट लॉस है तो उसे माइनस करके दिखाएंगे शोल्डर का फंड का फॉर्मुला हो गया ठीक है फिर अगला फॉर्मूला है टोटल डेट तो हम लिख ही चुके हैं देन कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा ऐसा नहीं कर सकते आप कि अगर आप टोटल लाइबिलिटी में से टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी घटा दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा ये टोटल लाइबिलिटी है ये इसमें से, से हटा दो तो जो बचेगा सारा का सारा वो क्या बचेगा कैपिटल सो टोटल लाइबिलिटी माइनस करेंट लाइबिलिटी आपका कैपिटल इंप्लॉयड एक और तरीके से भी कैपिटल इंप्लॉयड निकाल सकते हैं कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट तो इसको क्या बोलते हैं क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट क्या बोलते हैं क्लास इसको कैपिटल एम्प्लॉयड एक और भी क्लास लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस शोल्डर फंड को खोल दिया आपने प्लस लॉन्ग टर्म डेट बात तो बराबर ही है ना कितने सारे फॉर्मुले बनेंगे जब जहां जैसा यूज होगा वहां पे वैसा यूज करेंगे एक फॉर्मुला और भी है क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड का कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जो कई बार यूज होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल अब ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ये फार्मूला कैसे आया जरा अच्छे से ध्यान से समझना ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया ठीक है देखो बेटा ये पूरा का पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं यहाँ से सीएल हटा दूँ सीएल अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ से तो इधर साइड फिर क्या ही बचा है इधर साइड क्या बचा है कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है और सीएल अगर मैं उठा के यहां लिया हूं तो सी ए माइनस सीएल हो जाएगा सीएल तो माइनस ये क्या, तो क्या होगा क्लास होगा वर्किंग कैपिटल अगर मैं सीएल को यहां ले लिया तो ये क्या होगा वर्किंग कैपिटल होगा अगर क्वेश्चन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में नो नॉन कर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में नो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर इधर जो बचा वो कैपिटल इंप्लॉयड है और इस साइड ये साइड के बराबर है तो इस साइड क्या क्या है क्लास एसेट so, को नॉन करंट एसेट बोलते हैं बात तो बराबर ही है तो कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल इसका फॉर्मला होगा कैपिटल एम्प्लॉय का फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ये गया कैपिटल इम्प्लॉयड का फॉर्मुला राइट right? डन कोई दिक्कत परेशानी क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मुले में ओके okay, तो ये हो गया क्लास काफ़ी सारे फॉर्मूले हम लोगों ने स्टडी कर लिया करंट असेट करेंट लाइबिलिटी सारे हमने चीज़ें देख ली है एक छोटी सी बात क्लास आपको और पता होनी चाहिए पता है क्या पता होनी चाहिए देखो ये है करंट असेट करेंट लाइबिलिटी अब कुछ छोटी छोटी बातें जो आप क्लास डिस्कस करना मेरे साथ मतलब मैं आपसे डिस्कस करूँगा सबसे पहले अगर आप किसी भी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो अगर आप किसी भी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो कोई भी करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स है बिल्स पेबल है या शॉर्ट टर्म लोन है या बैंक ओवरड्राफ्ट है किसी भी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो उसका करंट रेशियो पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगा और कम कैश भी होगा बिकॉज आप लाइबिलिटी की पेमेंट किससे करोगे पैसे से कैश से बैंक से तो ये कैश और बैंक क्या है क्लास करंट असेट सो कैश भी कम होगा राइट right? अच्छा अगर आप कोई सामान उधार खरीदते हो क्योंकि ये कई बार बोलता है क्लास क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी लाइबरेटी पेमेंट करें ताकि रेशियो इतनी बने कितनी उधार खरीदे ताकि रेशियो इतना बने ओके तो अगर आपने कुछ खरीदा है सामान उधार तो क्या होगा उधार अगर आपने खरीदा स्टॉक आ गया आपके पास और साथ में आपका कर्जा भी बन गया तो इस तरीके से क्लास आपने ये ध्यान रखना है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा करंट असड करेंट, करेंट लाइवलिटी पर अगर कोई चीज़ चेंज होता है तो अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है उसका करंट असट करेंट, करेंट लाइविलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको बताना पड़ सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछा आ सकता है बाकी इसमें एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट आता है बच्चों को रेशोस के इंक्रीज़ डिक्रीज़ में कि रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं क्या सोच रहा हूँ क्लास कि मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूँ उसके लिए क्योंकि वो कॉमन डाउट है कई सारे बच्चे रेशियो को पढ़ते ही नहीं सोचते हैं या छोड़ दो इसको नहीं छोड़ना नहीं चाहिए आपको और रेशियोज में अगर तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज वाले में तकलीफ है तो एक सेपरेट वीडियो लेके क्लास आऊंगा क्लास बहुत ही जल्दी लिया आऊंगा क्लास सेपरेट वीडियो ताकि आपको एग्जाम से पहले रिविजन करने का टाइम मिल जाए उस सेपरेट वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे अलग अलग रेशियोज में इंक्रीज डिक्रीज का क्या फंडा है पूरा अच्छे समझा दूंगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट उस टॉपिक में क्लियर कर दूंगा इसकी मेरी गारंटी है भरोसा रखना ठीक है चलो फार्मूला में हमने सीख लिया अब चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन पे क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा करना जहाँ से जिसका खुद का एक फॉर्मूला है और वही तुम्हें गिवन भी दे रखा है तो क्वेश्चन को आप वहीं से शुरू करना सबसे पहले लिखा हुआ है करंट रेशियो टू पॉइंट फाइव रेशियो वन सो करंट रेशियो का फॉर्मिला सी अपॉन अपन सी एल टू पॉइंट फाइव अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते सी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव सी एल बस और कुछ नहीं कर सकते आप वर्किंग कैपिटल डेढ़ लाख का दे रखा है सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है सी ए माइनस सी एल वर्किंग कैपिटल दे रखा है डेढ़ लाख सी ए मुझे नहीं पता सी ए ढाई सी एल है माइनस सी एल ढाई में से एक गया सी एल मतलब वन सी एल तो 1.5 पॉइंट फाइव सी एल इक्वल टू डेढ़ लाख सो सी एल इज इक्वल टू डेढ़ लाख अपॉन वन पॉइंट फाइव या फिर डेढ़ लाख अपॉन वन पॉइंट फाइव इक्वल टू सी एल पॉइंट हटेगा जीरो लगेगा डिवाइड में हमेशा पॉइंट हटता है तो ऊपर एक जीरो लग जाता है पंद्रह एक कम पंद्रह एक दो तीन चार पाँच करंट लाइबिलिटी आ एक लाख अब ऊपर ही हमको पता था क्लास की जो करंट असेट है वो ढाई करंट लाइबिलिटी के बराबर है सो करंट असेट ढाई लाख होगा 2.5 पॉइंट फाइव करंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी एक लाख है जो करंट असेट निकल कर आएगा वो आएगा ढाई लाख रुपए का 2.5 लाख का क्लास क्लास आ आ गया आ गया करंट आई बात समझ तो इस तरीके से आपको करंट करंट करिटी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो थियरटिक क्वेश्चन आएंगे थियरटिकल क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा आपको बाकी इनकी डिग्रीज वाले भी अलग से एक वीडियो बना के करा दूंगा डोंट वरी अभी हम न्यूमेरिकल जितने भी टाइप के बन सकते हैं वो यहाँ पे आप डिस्कस कर लो कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग टोटल साढ़े सात लाख का अगर मैं यहाँ पे छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखाऊँ जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था तो टोटल असेट है साढ़े सात लाख का तो लिख दो साढ़े सात लाख टोटल असेट फिक्स असेट्स आपका आ गया चार लाख का शेयर होल्डर्स फंड वो कितने गलास पाँच लाख का नॉन करेंट लाइबिलिटी यहीं आएगा वो आ गया दो लाख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया ढाई लाख बच्चों सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है इधर एक चीज़ छूट गई करंट लाइब्रेटी इधर एक चीज़ छूट गया करंट अट सो आप बैलेंस देख लो करंट लाइब्रेटी कितना होगा करंट असेट कितना होगा आपका आंसर निकल आएगा और इसको एग्जामिनेशन में कैसे करो ये तो आपने रफ में कर लिया ये तो आपने रफ़ में कर लिया, तो लिया। सात पचास माइनस दो पचास माइनस चार लाख करंट असेट आ गया एक लाख आपका और करंट लाइब्रेटी कितना होगा साढ़े लाख सात लाख यानी कि पचास हजार ये आपका आ गया करेंट लाइबिलिटी अब एग्जामिनेशन में कैसे प्रेजेंट करोगे एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्लास सबसे पहले क्लास ये to, सबसे पहला फिक्स एसेट्स है एग्जामिनेशन में फॉर्मल लिख के करना सारे फॉर्मल लिख के करना ताकि स्टेप बाइज आपको नंबर मिले नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करेंट असेट्स ठीक है अब टोटल असेट कितना सात लाख पचास हजार का है साढ़े सात लाख जो फिक्स असेट है जो फिक्स असेट है, वो आपको दे रखा है चार लाख का फिक्स असेट है चार लाख प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ढाई लाख का प्लस करेंट असेट सो so, करेंट असेट आपके पास निकल कर आ गया एक लाख फिर टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू अब टोटल असेट अगर साढ़े सात लाख है तो टोटल लाइबिलिटी भी साढ़े सात होगा टोटल असेट्स सो so, साढ़े सात लाख निकल कर आ गया टोटल लाइबिलिटीज कितना निकल कर आ गया साढ़े सात लाख अब टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या है क्लास टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी है सात लाख पचास हजार और ,00 तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट अट अपॉन करेंट लाइबिलिटी करंट असेट है एक लाख करेंट लाइबिलिटी है पचास हजार रेशियो वुड बी टू रेशियो वन आइडियल रेशियो निकल कर आ गया कितना टू रेशियो आई क्लास बात समझ कैसे करना है तो इस तरीके से करंट रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हो वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना अब आते हैं क्लास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे क्या है ये करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर थ्री लाख करंट लाइबिलिटी जो है कंपनी की करंट लाइबिलिटी वो तीन लाख है करंट लाइबिलिटी जो है वो तीन लाख है इट्स करंट रेशियो इज थ्री रेशियो वन लिक्विड रेशियो इज वन रेशियो वन करंट रेशियो थ्री रेशियो वन है और लिक्विड रेशियो वन रेशियोन जो जो चीज़ गिवन है ना क्लास उसको क्लास आप लिख डालो सॉरी करंट रेशियो है थ्री रेशियो वन करंट रेशियो मतलब करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी थ्री अपॉन वन सो करंट असेट इक्वल टू थ्री करंट लाइबिलिटी लिक्विड रेशियो इज वन रेशियो वन तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्विक असेट अपॉन करंट करेंट लाइबिलिटी य गया है वन रेशियो वन सो क्विक असेट इक्वल टू क्या आ गया क्लास करंट लाइबिलिटी जो क्विक असेट है वो किसके बराबर है क्लास करंट लाइबिलिटी के बराबर है क्विक असेट इक्वल टू करंट लाइबिलिटी ठीक है बस और तो कुछ नहीं है क्लास यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई आपको निकालना क्या है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री निकालना है तो इसको ओपन करते हैं ठीक है थेक्या? अब क्विक असट का फॉमूला क्या है क्विक असट इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं और जो क्विक असेट है वो किसके बराबर है करंट लाइबिलिटी के और करंट असेट किसके बराबर है थ्री करंट लाइबिलिटी माइनस इन्वेंट्री अब करंट लाइबिलिटी दे रखा है तीन लाख रुपये आपको तो इधर भेज इन्वेंट्री इधर भेज दो इन्वेंट्री इज़ इक्वल टू थ्री करंट लाइबिलिटी माइनस करेंट लाइबिलिटी टू करेंट लाइबिलिटी इन्वेंट्री टू करेंट लाइबिलिटी है और करेंट लाइबिलिटी आपको दे रखा है तीन लाख इन्वेंट्री आ गया छः लाख इन्वेंट्री टू करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी तीन लाख है तो इन्वेंट्री कितना क्लास आएगा छः लाख तो जो इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई है वो कितनी क्लास आ गई है छः लाख आपकी वैल्यू आ गई है इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई क्लास आपकी छः लाख आ गई अब आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पे करंट रेशियो क्वेश्चन हो गए इंक्रीज डिक्रीज वाले सेपरेट वीडियो के अंदर क्लास आपको इंक्रीज डिक्रीज़ के जो जहां से भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे रेशियो जह, वहीं से आएंगे इंक्रीज डिक्रीज वाले सबसे नहीं पूछे जाते तो उनके मैं क्लास एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा तो स्टेट ट्यून चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा इस टाइम पर क्योंकि बहुत सारी वीडियोज अपलोड हो रही है तो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा तो चैनल पर क्लास आके जरूर एक बार सर्च करके देख लिया करो सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली क्या होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए भाई लंबे समय तक कंपनी टिक पाएगी नहीं कर पाए टिक पाएगी कंपनी में जो डेट फंड है वो कितना है इक्विटी फंड है वो कितना है लॉन्ग टर्म तक कंपनी चलेगी नहीं चलेगी इस चीज को जानने के लिए क्लास आता है सॉल्वेंसी रेशियो इसके अंदर सबसे पहला रेशियो डेट इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी अब मैंने इक्विटी का फॉर्मूला आपको बता रखा है ई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंस प्लस इक्विटी का मैंने बता रखा है और जहां पे डेट है उसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट अब लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आता है लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस परसेंटेज डिबेंचर्स ये सब लॉन्ग टर्म इक्विटी का मतलब क्या है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट उसको आप बोलते हो इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी रेशियो का फॉर्मुला क्या है क्लास डेट अपॉन इक्विटी सिंपल आगे समझ का दूसरा टोटल इसका आयल रेशियो भी टू रेशियो वन है करंट रेशियो का टू रेशियो वन डेट इक्विटी रेशियो का टू रेशियोन बाकी जो और कुछ का नहीं करना आपको इतना याद रखना बहुत है और क्विक रेशियो रेशियो का डेट इक्विटी के बाद अगला है क्लास आपका सॉरी सॉरी सोलवेंसी रेशियो के अंदर ही है डेट इक्विटी रेशियो हो गया दूसरा है क्लास टोटल एसेट टू डेट रेशियो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इसका फॉर्मुला टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट क्या है क्लास टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट तो असेट साइड की जो टोटलिंग है वो ऊपर आ जाएगी लॉन्ग टर्म डेट नीचे आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट तीसरी जो रेशियो है पहला रेशियो था डेट इक्विटी रेशियो दूसरा है टोटल असेट टू डेट रेशियो तीसरा है क्लास आपका प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो इसका जो फॉर्मूला है वह है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है प्रोप्राइटर्स फंड शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है क्लास प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट ठीक है तो प्रोप्राइटर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट यानी प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट अब शेयर होल्डर फंड पता है आपको ई प्लस पी प्लस रिजर्व प्लस टोटल असेट मतलब असेट साइड की टोटलिंग एक है क्लास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कहता है कि भैया आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना गुना है प्रॉफिट के प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट और टैक्स को देने से पहले अपॉन सालाना जो भी इंटरेस्ट जा रहा है अब इंटरेस्ट किस पे जाता है लोन पे डिबेंचर्स पे है ना बैंक लोन डिबेंचर्स इस पे इसके अलावा एक रे, रेशियो नया एड हुआ है डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो एक नया रेशियो एड हुआ है डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो जिसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल डेट टू कैपिलॉयड रेशियो यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिलय ये है सारे के सारे सॉल्वेंसी रेशियो के कंप्लीट फॉर्मूले और ये कंप्लीट सॉल्वेंसी रेशियो इस तरीके से हो गया ठीक है नाउ इसके बाद है क्लास सॉल्वेंसी रेशियो के बाद अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इसके सबसे पहला ये रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो डेट टू इक्विटी यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड डेट टू इक्विटी तो डेट टू इक्विटी की अगर मैं बात करूं डेट टू इक्विटी रेशियो तो ऊपर क्लास डेट आएगा नीचे आएगा इक्विटी डेट टू इक्विटी तो डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है ध्यान से समझना सबसे पहले ऊपर आता है डेट तो इसमें देखो डेट कहाँ कहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो ये तीन लाख हो गया अब मुझे इक्विटी चाहिए इसमें क्लास कहीं भी इक्विटी दे नहीं रखा है तो हम एक काम करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं उसके थ्रू कोशिश करते हैं निकालने की इक्विटी क्या होगा नॉन करेंट असेट तीन लाख साठ हज़ार दे रखा है ठीक है करेंट असेट दे रखा है क्लास नब्बे हज़ार और तो कुछ है नहीं है तो ये आ गया चार लाख पचास हज़ार ठीक है ये आ गया क्लास चार लाख पचास हज़ार अगर टोटल एसेट दे रखा है आपको तो वही टोटल लाइबिलिटी के बराबर होगा और इधर है लॉन्ग टर्म डेट इन डेट तो ये डेट जो दे रखा है क्लास आपको डेट इन लॉन्ग टर्म डेट वो है तीन लाख करंट लाइबिलिटी देखा है क्लास पचास हजार तो अभी चार पचास है तीन पचास है तो यहाँ पे इक्विटी एक लाख आएगा इक्विटी कितना क्लास आएगा एक लाख तो तीन अपॉन एक तो ये आ जाएगा क्लास थ्री रेशियो वन डेट टू इक्विटी अब फार्मूला क्या लिखोगे ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या लिखोगे सबसे पहला टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स नॉन करंट असेट प्लस करंट एसेट सो करंट असेट देखा है नाइन्टी थाउजेंड नॉन करंट असेट देखा है थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड सो टोटल असेट आ गया चार लाख पचास हजार और यही किसके बराबर है क्लास टोटल लाइबिलिटीज के बराबर है फिर एक और फॉर्मूला लिखोगे टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू जो टोटल लाइबिलिटी है आपका टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू ये इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी ठीक है तो अब जो टोटल लाइबिलिटी है वो कितना है साढ़े चार लाख का इज इक्वल टू इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड वो आपको निकालना है प्लस लॉन्ग टर्म डेट है तीन लाख का प्लस पचास हजार का करंट लाइबिलिटी है तीन पचास तो चार पचास माइनस तीन पचास इक्विटी तो जो आएगा वो आएगा, आएगा आपका एक लाख इक्विटी जो निकल कर क्लास आएगा आपके पास वो कितना निकल कर आएगा एक लाख निकल के आएगा आई आए क्लास बात समझ क्वेश्चन फोर हो गया आप सबका डन चलो अब आते हैं क्वेश्चन फाइव पे शेयर होल्डर फंड है चौदह लाख का टोटल लाइबिलिटी है अठारह लाख की करंट लैबिलिटी है दो लाख की असेट टोटल असेट टू डिट्रेशन फॉर्मला क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करो इस टाइम पे और इसके लिए चार पाँच घंटे तुम्हें टोटल देना है इस रेश इस चैप्टर को करने में मतलब एग्जाम टाइम पे चार पाँच घंटे तुम्हें तो देना ही देना है कभी भी ताकि इस चैप्टर को अच्छे से कर लो क्या पता बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले इससे तुम भी मतलब का इसको छोड़ के जाने की सोच रहे हो है ना तो इसीलिए क्लास कर लो एक फॉर्मूला कर लो गुला की भी एक नंबर और एक एक नंबर की अहमियत है टोटल एसेट टू डेट रेशियो टोटल असेट टू डेट रेशियो तो इसका फॉर्मूला क्या है क्लास टोटल एसेट टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट तो आप देखो यहाँ पे टोटल असेट कितना आपके पास टोटल एबिलिटी ही टोटल असेट है ना टोटल एबिलिटी दे रखा है तो वही टोटल असेट है अब लॉन्ग टर्म डेट चाहिए हमें लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलेगा बैलेंस शीट बना लो टोटल लाइबिलिटी कितनी है अठारह लाख करेंट लाइब्रेटी कितनी है दो लाख लॉन्ग टर्म डेट हमें नहीं पता है शेयर होल्डर्स फंड तुम्हें दे रखा है क्लास कितना चौदह लाख तो आप एक फॉमूला लगा सकते हो वैसे तो मुझे पता है अट्ठारह दो लाख रुपए आ ही गया आपका आंसर ना टोटल असेट टू डेट रेशियो टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट तो टोटल असेट आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट कितना 2 ,000 ,000 2 ,000 ,000 ,000 ,000 है क्लास आएगा दो लाख आएगा दो लाख आएगा टोटल लाइब्रेटी एटीन लाख है शेयर होल्डर फंड है क्लास फोर्टीन लाख और फोटीन लाख हो गया दो लाख का तो ये आएगा दो लाख ही आएगा लॉन्ग टर्म डेट भी तो क्लास आएगा नाइन रेशियो वन तो आप फॉमूला कैसे निकालोगे टोटल लाइबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू ये रफ़ में बनाना ये रफ़ में बनाना ये रामबाण है समझ लो अच्छे सब कुछ कर सकते हो अगर ये याद हो गया तो टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड ठीक है प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी दे रखा है दो लाख लॉन्ग टर्म डेट नहीं पता और शोल्डर फंड दे रखा है चौदह लाख का ठीक है और टोटल आइबिली कितनी है अट्ठारह लाख की अट्ठारह लाख अब ये हो गया चौदह सोलह लाख अठारह में से सोलह गया लॉन्ग टर्म डेट जो आएगा वो आ जाएगा दो लाख लॉन्ग टर्म डेट जो आएगा वो आएगा दो लाख क्लियर है यहाँ पे तो इस तरीके से टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी कैलकुलेट हो गया नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल ठीक है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है इफ टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट ये दे रखा है टू रेशियो वन ठीक है डेट है फाइव लाख की तो यहां से हटा दो डेट यही तो डेट है टोटल असेट टू डेट में डेट दे रखा है पाँच लाख का सो टोटल असेट आ गया दस लाख सीधा सीधा नहीं देखे टोटल असेट एक फॉर्मूले से कंप्यूट करवा लिया टोटल असेट कितना आ गया दूनी दस लाख इक्विटी शेयर कैपलेज जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ डेट इक्विटी शेयर कैपिटल जो है जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ डेट जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स आधा पाँच का आधा कितना होगा ढाई लाख ठीक है डेट है पाँच लाख का डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट वो कितना है क्लास पाँच लाख का प्रेफरेंस शेयर कैप्लेज पच्चीस परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इसका 25 परसेंट मतलब चार से भाग दे दो जब किसी का 25 परसेंट निकालना होता है ना तो चार से आपको डिवाइड देना होता है ओके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दस लाख है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है क्लास आपको टेन लाख अगर आप टैक्स माइनस कर दोगे माइनस टैक्स फोर्टी परसेंट जो कि चार लाख है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स छः लाख नेट प्रॉफिट ऑफ टैक्स कितना आ गया छः लाख आर एक लाख बात समझ तो ये इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूट कर लिया अब हमें चाहिए प्रोपर्टी रेशियो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट तो टोटल एसेट तो हमें पता है दस लाख अब हमें शेयर होल्डर फंड चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और सरप्लस रिजर्व तो कुछ है नहीं इसमें तो इक्विटी कितना है यहाँ पे इक्विटी है टू फिफ्टी प्रेफरेंस है सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और प्रॉफिट है छः लाख नाइन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और अपॉन दस लाख है नाइन पॉइंट वन टू फाइव नाइन पॉइंट वन टू फाइव ये आ गया क्लास आपका प्रोप्राइटरी रेशियो यानी कि शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट देखो यार जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जाता है ना वो आफ्टर टैक्स जाता है इसीलिए टैक्स घटाया मैंने अगर ये आफ्टर टैक्स दे रखा होता फिर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट जाता है ना रिजर्व सप्लस के अंदर बैलेंस शीट के मेन हेड शेयर होल्डर फंड के अंदर वो टैक्स के बाद जाता है इसलिए मैंने टैक्स घटाया ओके नाउ क्वेश्चन सेवन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताया था नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर में कई बार पूछा जा चुका है पहले भी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है तो जब मैं इसमें इंटरेस्ट जोड़ूंगा जब मैं इसमें टैक्स जोड़ूंगा तो ये पता है क्या बन जाएगा बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू टू हंड्रेड सॉरी अपॉन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट आरओ का बता दिया गलती से फॉर्मुला तो इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला है, in तो in है, है और हमारे पास निकल कर आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो इसमें एनुअल इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है इस क्वेश्चन में एनुअल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दो इंटरेस्ट है सबसे पहला डिबेंचर पे पंद्रह परसेंट का इंटरेस्ट एक लाख का पंद्रह परसेंट कितना बनेगा पंद्रह हज़ार और लोन है एक लाख का उस पर बारह परसेंट का मतलब तो दो है एक मॉडेज लोन है एक डिबेंचर से तो ये बन गया बारह हज़ार तो इंटरेस्ट कितना आ गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड तो ये आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट एक लाख बीस हज़ार मैं इसमें इंटरेस्ट टैक्स मुझे नहीं पता कितना है क्लास लाख यहाँ पर इंटरेस्ट तो मुझे पता है इंटरेस्ट है ट्वेंटी प्लस टैक्स अगर मुझे टैक्स मिल जाए तो मेरे को मिल जाएगा नेट प्रॉफ़िट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ठीक है लेकिन मुझे टैक्स का अमाउंट चाहिए अच्छा एक मुझे बात बताओ ये आफ्टर टैक्स अगर एक लाख बीस हजार है जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स है एक लाख बीस हजार और टैक्स है फोर्टी परसेंट तो इसका मतलब सिक्सटी परसेंट हो गया ना फोर्टी परसेंट टैक्स है एक लाख बीस हजार जो है वो फोर्टी परसेंट टैक्स देने के बाद है एक लाख बीस हजार जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स है इंटरेस्ट भी दे दिया टैक्स भी दे दिया फिर जो बचा तो ये तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो कितना है क्लास 60 परसेंट बच्चा बिकॉज 40 परसेंट आपने दे दिया तो डिवाइड बाई 60 इंटू फोर्टी तो एक लाख बीस हज़ार डिवाइड बाई सिक्सटी इंटू फोर्टी तो आठ अस्सी हज़ार रुपये का टैक्स आ गया एक लाख बीस हज़ार डिवाइड बाई सिक्सटी इंटू फोर्टी अस्सी हज़ार रुपये का क्लास आपका टैक्स निकल कर आ गया इस तरीके से टैक्स निकल आएगा एट्टी का ये एट्टी आप यहाँ प्लस कर दो तो ये कितना बनेगा एक लाख बीस हज़ार प्लस एट्टी थाउजेंड दो लाख प्लस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का इंटरेस्ट तो प्रॉफिट बिफोर इंसन टैक्स आ गया दो लाख सत्ताईस हज़ार और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट बिफोर इंसन टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट तो एनुअल इंटरेस्ट कितना है क्लास सत्ताईस का है एनुअल इंटरेस्ट सत्ताईस का है प्रॉफिट बिफोर इंसन टैक्स जो आपको दे रखा है वो है दो लाख सत्ताईस हज़ार दो लाख सत्ताईस हज़ार अपॉन सत्ताईस हज़ार ये आ गया क्लास एट पॉइंट टाइम्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट इन्होंने नेट चालीस परसेंट टैक्स टैक्स के बाद बचेगा 60 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है टैक्स के बाद कितना बचेगा 60 परसेंट इंटू सिक्स डिवाइड बाई सी इंटू फोर्टी ये आपको निकलेगा टैक्स तो टैक्स जोड़ दो इंटरेस्ट जोड़ दो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बन जाएगा एक्चुअली होता ही है ना प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स होता है उसमें से हम घटाते हैं इंटरेस्ट तो जो बचता है बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर इसमें से घटाते हैं टैक्स तो जो बचता है वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अगर आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इसमें क्या करोगे टैक्स जोड़ोगे फिर इंटरेस्ट जोड़ोगे तो क्लास पीबीआईटी बन जाएगा अगर आप इसी क्वेश्चन को एक्स मान के करना चाहते हो तो भी आप एक्स मान के आराम से कर सकते हो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट तो आंसर वही आएगा जो क्लास मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया है तो प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स जो है वो है टू लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन ट्वेंटी प्लस एट्टी टू लैख प्लस ट्वेंटी सेवन अपॉन एनुअल इंटरेस्ट इंटरेस्ट दो है यहाँ पे डिवेंचर्स पे और मॉडियेज लोन पे ओके okay? नया रेशियो डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो नाम से पता पड़ रहा है क्लास डेट अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड मतलब ये खुद कुल नया कहता है जो आपकी पूरी कैपिटल है उसमें से कर्जा कितना है और खुद का पैसा कितना है तो इस क्वेश्चन समझते हैं क्लास लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मला है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट इनको जोड़ें क्लास तो आराम से आपका कैपिटल इंप्लॉयड निका अच्छा ये भी है ये भी लॉन्ग टर्म डेट है सबको जोड़ दो कैपिटल एम्प्लॉड आएगा शेयर कैपिटल दस लाख रिजर्व सर प्लस है पाँच लाख लॉन्ग टर्म डेट है साढ़े सात लाख लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर है ढाई लाख ये आ गया पच्चीस लाख है ना डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया क्लास आपका पच्चीस लाख जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपका आ गया पच्चीस लाख और डेट जो है ये ये दोनों डेट है he he है ना ये दोनों डेट है टू फिफ्टी प्लस सेवन फिफ्टी लॉन्ग टर्म डेट टेन लैक्स तो ये कितना क्लास आएगा डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टेन लाख अपॉन 25 लाख इट्स जीरो पॉइंट फोर रेशियो वन आई बात समझ क्लास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल इम्प्लॉयड डेट कितना है दस लाख ,00 का और कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है क्लास यहाँ पे ट्वेंटी फाइव लाख का आ रहा है क्लास समझ आपको अभी बहुत रेशियोज है आराम से बैठ के देखो के आराम से पढ़ते रहो नेक्स्ट है क्लास एक्टिविटी रेशियोज और टर्न ओवर रेशियो बेसिकली जो एक्टिविटी रेशियो होता है वो आपकी स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए होता है स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है वो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है सी ओ जी एस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री अब थोड़े बहुत फॉर्मुले और ऐड करूंगा इसमें तो ध्यान से अच्छे से क्लास समझना आप मुझे बताना अगर आपको फॉर्मुले याद करने में दिक्कत होती है तो मैं क्लास एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे के सारे फॉर्मुले लिख के आपको अच्छे से रिविजन करा दूंगा ठीक है इन्वेंट्री टोनो रेशियो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ओके अब सीओ जी एस क्या होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो भी आपने सामान बेचा उसकी जो लागत है वो क्या है जिसका फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा एलेवंथ में ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस ठीक है प्लस नेट परचेजेस नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न जो नेट आपने खरीदा है ठीक है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अब कौन कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं पता होना चाहिए क्लास आपको माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस वेजेस एंड सैलरीज कैरेज या फ्रेट इनवर्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस पावर फ्यूल अब देखो ये बहुत सारा याद करना पड़ेगा क्योंकि इलेवंथ का है देखा जाए तो अब आपने इलेवंथ पढ़ा नहीं आपको याद नहीं <clears throat> तो आपको फिर से देखना पड़ेगा जो भी फैक्ट्री सॉरी <coughs> <sorry, coughs> जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है जो खर्चे क्लास फैक्ट्री के अंदर किए जाते हैं फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंस है वो सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन यानी कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ठीक है तो ये हो गया क्लास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या आगे आपका सी ओ जी एस यानी कॉस्ट ऑफ रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है यहाँ पे काफी एवरेज आएगा तो एवरेज का फॉर्मूला वही होता है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री सो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई टू आपका क्लास आएगा एवरेज इन्वेंट्री है एक बेसिक फॉर्मुला इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो एक छोटा सा क्लास एक छोटा फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है सी ओ जी एस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो सेल्स आएगा सेल्स में से तो सीओ जी एस आएगा और ये आप क्लास आपको ध्यान रखना है सेल्स में से प्रॉफिट घटाओ सीओजीएस आएगा और क्लास सेल्स में से सीओ जी एस घटाओ जीपी आएगा सेल्स में से सीओ जी एस घटा दो तो जीपी आएगा एक ही फॉर्मुला है ये मैंने तीन जैसे साइंस स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा प्लस कॉस इक्वल टू आता है ना उसी तरीके से साइंस कोस्थेटा लून है तो आप निकाल सकते हो साइन और कॉस्ट किसी की भी साइंस स्क्वाथेटा और कॉस्क एथेटा की वैल्यू उसी तरीके से यहाँ पे है अब ये फॉर्मूला मत समझो इसको ये तो आपकी हैबिट में होनी चाहिए लाइक कॉस्ट में कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे सेल्स आएगा सेल्स से कॉस्ट घटाएंगे प्रॉफिट आएगा सेल्स से प्रॉफिट घटाएंगे कॉस्ट आएगा ये तो बहुत सिंपल सी बात है मैं सौ का माल खरीदता हूँ पाँच बजे प्रॉफिट है सौ का माल जो है मेरी कॉस्ट पांच बजे मुनाफा कमाना है तो बेचना है कितने का सेल्स वैल्यू एक सौ पांच हो गया राइट ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए ठीक <clears throat> है सर और एक चीज़ और तुम्हें तो पता होना चाहिए अब यहाँ पर क्लास थोड़ा समझ लो अच्छे से और ये कहीं बार यूज़ हो सकता है अगर मैं तुमको बोलूँ कि जीपी ऑन सेल्स अच्छा खाली जीपी लिखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट खाली जीपी लिखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ये जीपी किस पे है ये किसका ट्वेंटी फाइव परसेंट है सेल्स का ध्यान रखना बिकॉज जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला है वह जीपी अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड तो अगर तुमको जीपी पी पच्चीस परसेंट यानी वन बाई फोर दे रखा है तो ये वन बाई फोर किसका है सेल्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का वन बाई फोर है सॉरी सेल्स का वन बाई फोर है तो जीपी पच्चीस परसेंट यानी कि वन बाई फोर किसका वन बाई फोर सेल्स का अब यहां साफ साफ लिखा है जीपी ऑन सेल्स तब भी सेल्स पे कितना है वन बाई फोर अगर जीपी सेल पे वन बाई फोर है तो जीपी कॉस्ट पर कितना होगा जीपी ऑन सीओ कह लो या जीपी ऑन कॉस्ट कह लो सबसे पहली चीज सर आप इसे निकाली क्यों रहे हो सबसे पहला कंसर्न आपका होना चाहिए सर आप इसको फाइंड आउट ही क्यों कर रहे हो इसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि जो जी है वो पच्चीस परसेंट सेल का है सेल आपको दे रखी होगी उसका 25 परसेंट आपको लगा देना है आपका जीपी निकल कर आ जाएगा है कि नहीं बट प्रॉब्लम क्या है क्लास आपको सेल्स नहीं दिया क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है कैसे करोगे एक्स माने करोगे बहुत लंबा पड़ जाएगा है ना अगर आपको करना है तो कर लेना मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जी पी सेल्स अगर वन बाई फोर है कॉस्ट वन बाई थ्री होगा सेल से कॉस्ट पे आने के लिए एक कम कर देना अगर जीपी सेल्स का वन बाई फोर है तो जीपी जो कॉस्ट का होगा वो कितना होगा क्लास वन बाई थ्री अगर जीपी सेल्स का वन बाई फोर है तो जीपी जो कॉस्ट का होगा वो कितना क्लास होगा वन बाई थ्री जी सेल्स का कितना है क्लास वन बाई फोर तो जीपी जो कॉस्ट का होगा वो कितना होगा क्लास वन बाई थ्री ओके अच्छा अगर मैं बोलूँ जी ऑन सेल्स वन बाई सिक्स है तो कॉस्ट पे कितना होगा वन बाई फाइव जी ऑन सेल वन बाई सेवन है कॉस्ट पे वन बाई सिक्स जी ऑन सेल वन बाई एट तो कॉस्ट पे वन बाई सेवन मतलब सेल से कॉस्ट पाने के लिए कम कर देना है बस कॉमेंट में लिख दो कभी भूलोगे नहीं फिर ठीक है और कॉस्ट से सेल पर जाने के लिए एक आप ऐड कर दो अगर आप कॉस्ट से सेल पे जाओगे जैसे अगर मैं तुम्हें तो थोड़ा घुमा के पूछूं अब कॉस्ट दे देता हूँ सेल्स पे जाना जीपी ऑन कॉस्ट वन बाई फोर है जीपी ऑन कॉस्ट है वन बाई फोर तो जीपी ऑन सेल्स कितना होगा वन बाई फाइव तो कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में एक ऐड करोगे और सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में क्लास एक माइनस करो सेल बड़ा होता है तो कॉस्ट में एक प्लस करोगे तो सेल्स आएगा और सेल्स से माइनस करोगे तो कॉस्ट आएगा कॉस्ट पे वन बाई फोर सेल पे वन बाई फाइव कॉस्ट पे वन बाई फाइव सेल्स पे वन बाई सिक्स कॉस्ट पे वन बाई सिक्स सेल्स पे वन बाई सेवन कॉस्ट पे वन बाई सेवन सेल पे वन बाई एट कॉस्ट पे वन बाई एट सेल पे वन बाई नाइन कॉस्ट पे वन बाई नाइन सेल पे वन बाई टेन तो कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दो और सेल्स

पच्चीस परसेंट है किसके सेल्स पे और सेल्स तुम्हें तो दे रखी है अच्छी बात है नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ता वन बाई फोर सेल पे है तो कॉस्ट पे वन बाई थ्री करना पड़ता तो तीन लाख बीस हज़ार का पच्चीस परसेंट आप वन बाई फोर से डिवाइड दो तीन लाख बीस हज़ार को चार से डिवाइड दो बेटा कितना आएगा जीपी जीपी आ गया एट्टी थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया एट्टी थाउजेंड ठीक है अब सेल्स में से प्रॉफिट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा सी ओ जी एस सेल्स कितना है बच्चे सेल्स है बत्तीस लाख है ना तीन बीस है शायद सेल्स तीन लाख बीस हज़ार है थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड सेल्स जो है वो थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड है थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड सेल्स में से जी पी घटा दोगे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आपने निकाल लिया है कितना अस्सी हज़ार तो तुम्हारा सी ओ जी एस मिल जाएगा सो सी ओ जी एस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू तीन लाख बीस हजार माइनस अस्सी हजार इट्स टू लाख फोर्टी थाउजेंड जो सी ओ जी एस है वो कितना है क्लास आपका दो लाख चालीस हज़ार सी ओ जी एस आ गया दो लाख चालीस हज़ार अब सी ओ जी एस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ओपनिंग स्टॉक ट्वेंटी नाइन थाउजेंड प्लस परचेजेस टू फोर्टी टू थाउजेंड एक्सपेंस कुछ है नहीं माइनस क्लोजिंग स्टॉक का एक्स मान लो सॉल्व करो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा टू फोर्टी माइनस टू फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी नाइन थाउजेंड माइनस का थर्टी वन थाउजेंड इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स कट गया सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स को क्लोजिंग स्टॉक लिया था वो आ गया थर्टी वन थाउजेंड जो क्लोजिंग स्टॉक निकलकर आया आपके पास वो कितना आ गया? 30, 1, या आ गया गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉकेंड का closing stock. एक बात समझ? Closing stock कितना आ गया थर्टीड अच्छा अब तुम्हें तो इन्वेंट्री टर्नो रेशियो निकालना आप तुम तो आसानी से निकाल सकते हो सीओजीएस फॉर्मुला जरूर लिखना पहले सीओजीएस टू फोर्टी अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग ट्वेंटी नाइन थर्टी वन डिवाइड बाई टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टाइम्स में आता है ठीक है जो ये है, उसका रेशियो में ही रहता है प्योर रेशियो या फ्रैक्शन में एक्टिविटी रेशियो आ जाता है ना रेशियो सारे आंसर में आते हैं में, आई होप समझिए क्लास वीडियो पॉज करके लिख लेना मैं आगे चलता हूं, कोई डाउट हो पूछ लेना नेक्स्ट अब पे लिखा हुआ है टू लैक इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ अच्छा रेवन्य टनोवर रेशियो ही दे रखा है सीओ जी एस तो है ही टू लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री सब दे रखा है बस क्या निकाल लेना है एवरेज इन्वेंट्री वही निकलेगा और तो हमें पता ही नहीं है और तो कुछ निकलेगा ही नहीं सो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू दो लाख अपॉन आर्ट दो लाख को आठ से डिवाइड दो तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया क्लास आपके पास पच्चीस हज़ार आ गया एवरेज इन्वेंट्री कितना क्लास आ गया आपके पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है इफ़ इन्वेंट्री एट द एंड टाइम्स द बिगनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री डेढ़ गुना है बिगनिंग के क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ

हाँ लेकिन इसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए इस बार तो छह नंबर का फिर भी कर दिया पहले तो चार नंबर का ही था तो ये आ गया ओपनिंग इन्वेंट्री ट्वेंटी थाउजेंड ओपनिंग इन्वेंट्री क्लास निकल कर कितना आ गया ट्वेंटी थाउजेंड इधर आएगा डिवाइड में पॉइंट हट के जीरो लग जाएगा पांच लाख पच्चीस बीस हजार ठीक है चलो तो ये हो गया क्लास आप यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री अब तुम्हें क्या निकालना है क्लास कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर अब एंड जो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है देखो साफ साफ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो डेढ़ गुना है ओपनिंग के तो ओपनिंग कितना है बीस हजार बीस हजार को डेढ़ से करोगे कितना आंसर आएगा तीस हजार बीस हजार को आप डेढ़ से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना क्लास आएगा तीस हजार आएगा बीस हजार को आप डेढ़ से मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा तीस हजार आई बात क्लास समझ में तो इस तरीके से क्लास आपके जो इन्वेंट्री टर्नोवर क्वेश्चन है जिनमें एक्चुअली दम है तीन से चार नंबर लाइक क्वेश्चन ये है राइट तीन से चार नंबर के क्वेश्चन बनते हैं अभी भी ऐसी समझना सेल्स है दो लाख जीपी है 25%. कुछ नहीं लिखा. किसका पच्चीस दो लाख का वन बाई फोर करो कितना बनेगा दो लाख का आधा वन बाई फोर का मतलब आधा आधा दो लाख का आधा एक एक का आधा पचास जीपी आ गया अब तुम्हें सेल मिल गया जीपी मिल गया सीओ जी एस निकालना है सेल है दो लाख का प्रॉफिट है पचास हज़ार का तो कॉस्ट है डेढ़ लाख बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है देख रहे हो आप तो यहाँ क्या आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री सो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे अगर हम एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू डेढ़ लाख अपॉन पाँच एवरेज इन्वेंट्री क्लास आ गया थर्टी थाउजेंड का जो एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आया है वो कितना क्लास आया है एवरेज इन्वेंट्री थर्टी थाउजेंड अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई टू क्या लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ मोर बाई चार हज़ार देन ओपनिंग अगर मैं ओपनिंग को एक्स मान लूँ तो क्लोजिंग उससे चार हज़ार ज़्यादा है आप एक्स नहीं मान के खाली ओपनिंग लिखना चाहते हो तो भी लिख दो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इधर भेज दो कितना आएगा थर्टी टू या सिक्सटी एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस फोर थाउजेंड फोर इधर भेज दो फिफ्टी सिक्स अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स एक्स आएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड एक्स कितना क्लास आएगा ट्वेंटी और एक्स को हमने क्या माना था ओपनिंग इन्वेंट्री तो लिख दो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ट्वेंटी एट थाउजेंड और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो क्या कह रहा है क्लास ओपनिंग से चार ज्यादा है तो ओपनिंग अगर अट्ठाईस है तो क्लोजिंग चार ज़्यादा है अट्ठाइस चार कितना हो जाता है बेटा बत्तीस तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्लियर है क्लास ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां तक नेक्स्ट रेशियो जो है वो है क्लास ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो के बाद एक्टिविटी रेशियो के अंदर जो आता है वो आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो जिसका फॉर्मुला है क्लास आप लिखो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो और ट्रेड रिसिवेबल इज़ द सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसिबल ये तो पता है क्लास आपको डेटर्स जिन लोगों को उधार बेचा और उन लोगों से अगर आपने बिल पे साइन करा के रख लिया अपने पास तो वो बिल आपको आपके लिए क्या, क्या कहलाएगा बिल रिसिवेबल और ये बनते कैसे है? नेट क्रेडिट सेल्स यानी कि टोटल सेल्स में से कैश सेल घटा दो सेल्स रिटर्न घटा दो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसिवेबल नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एवरेज तब जब ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल इसको बोलते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ठीक है प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाई टू तो ये क्लास आ जाएगा आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाई टू आपके पास आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अच्छा अगर आपने उधार बेचा है तो कुछ कलेक्शन पीरियड भी तो होगा कि आप कितने टाइम में उसे कलेक्ट करोगे उस पैसे को तो उसको निकालने का है वन अपॉन्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो यानी कि इस सिचुएशन में आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो भी निकालना पड़ेगा इन टू अगर आप आंसर मंथ्स में लिखना चाहते हो तो ट्वेल्व मंथ्स डेज में लिखना चाहते हो तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज यानी कि वन अपॉन्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इंटू ट्वेल्ल या इन टू थ्री सिक्सटी फाइव अपन नहीं है इंटू ट्वेल्व या तो थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है मल्टीप्लाई में ही होगा और आप इसी चीज़ को क्लास एक्स तरीके से वन अपॉइंट ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होगा ये रेशियो पलट जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स नीचे आ जाएगा ठीक है इन टू ट्वेल्व या थ्री सिक्सटी फाइव डेज अगर किसी क्वेश्चन में कहता है साल में तीन सौ साठ देना है, तो तीन सौ साठ ही लेना तो ये आ जाएगा क्लास ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो ओके इसी तरीके से सेम ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो भी होता है ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो जैसा ट्रेड रिसीवेबल है ना बिल्कुल वैसा ही ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो ये बनते है कैसे है ट्रेड पेबल जब आप उधार खरीदते हो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल वहां पे था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहां है एवरेज ट्रेड पेबल अब एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल ये हो गया ओपनिंग ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ध्यान रखना क्लोजिंग क्रेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाई टू ये आ गया एवरेज ट्रेड पेबल अब अगर आपने अगर आपने उधार खरीदा है तो डेट पेमेंट पीरियड भी होगा कि आप पेमेंट कब करोगे डेट पेमेंट पीरियड तो उसका फॉर्मूला में देखना चाहते हो ट्वेल्व मंथ्स डेज में देखना चाहते हो थ्री सिक्सटी फाइव डेज अभी थ्री सिक्सटी फाइव ही होगा साल भर में लेपियर नहीं है तो फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हो इसको पलट दो वन अपॉन ट्रेड मतलब ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा सब बस एवरेज ट्रेड पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज वहां पे रिसीवेबल था यहां पेबल है वहां पे सेल्स था यहां परचेज है यही डिफरेंस है बस अपॉन 365 डेज ये आ गया क्लास आपका ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो बात समझ आई क्लास कैसे निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो कलेक्शन पीरियड डेट पेमेंट पीरियड अब चलते हैं क्लास क्वेश्चन बनाते हैं इसके ठीक है मर्क्री लिमिटेड एक कंपनी है और जिनका क्रेडिट सेल्स है चार लाख का और इफ़ कलेक्शन पीरियड थर्टी सिक्स डेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है क्लास वन अपॉन ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो इन टू और वी अज्यूम थ्री सिक्सटी डेज इन अ ईयर तो थ्री सिक्सटी डेज कर लो बिकॉज आंसर डेज में है तो थ्री थर्टी सिक्स अपॉन थ्री सिक्सटी इज इक्वल टू वन ट्रेड अच्छा ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो है ना तो ट्रेड रिसीवेबल नेट क्रेडिट सेल्स है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो तो क्लास ये कितना आ जाएगा टेन टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो आ गया टेन टाइम्स ठीक है अच्छा एवरेज ट्रेड रिसिवल टर्न ओवर रेशियो आ गया एवरेज ट्रेड रिसिवल निकालना है तो ट्रेड रिसिवल टर्न ओवर रेशियो का फॉमूला क्या होता है मुझे बताओ नेट क्रेडिट सेल्स वो तुम्हें देखा चार लाख का अपॉन एवरेज ट्रेड रिसिवेबल उधर भेजो एवरेज ट्रेड रिसिवेबल कितना कैलकुलेट होके आएगा मुझे बताओ एवरेज ट्रेड रिसिवल इज इक्वल टू चार लाख अपॉन दस चालीस हज़ार एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके सामने कितना क्लास फोर्टी थाउजेंड का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया रिसीवेड का अच्छा अब इसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारे पास आ गया कितना 40, का देन इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन छह हजार तो ये जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है इसको निकालने का फॉर्मुला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू तो ट्रेड रिसिवेबल एट द एंड जो है वो बिगनिंग से छः हज़ार अगर बिगनिंग को एक्स मान लूँ तो जो ट्रेड रिसिवेबल एट द एंड है वो मोर देन द बिगनिंग बिगनिंग से छः ज़्यादा है तो उधर भेज दो ये एट्टी थाउजेंड आ जाएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स है ना टू एक्स प्लस सिक्स थाउजेंड सिक्स इधर भेज दो तो कितना आएगा 74 फोर अपॉइंट टू सेवेंटी फोर थाउजेंड टू एक्स आ जाएगा तो कितना आएगा थर्टी सेवन सेवेंटी फोर को टू से डिवाइड दो थर्टी सेवन आएगा इट्स थर्टी सेवन थाउजेंड का ठीक है अब जो क्लोजिंग है वो छह हजार ज्यादा है ये ओपनिंग आया है एक्स ठीक है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसिवेबल जो है वो छह हजार ज्यादा है तो ये क्लास आएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड तो ओपनिंग थर्टी सेवन और क्लोजिंग फोर्टी थ्री आगे आपका आंसर ये क्वेश्चन फोर मार्क्स के लायक है बिकॉज काफी काम है इसके अंदर ना डन तो इस तरीके से क्लास ट्रेड रिसेबल टर्न ओवर रेशियो के क्वेश्चन बन जाएंगे क्रेडिट सेल्स नहीं दिया होगा तो टोटल सेल्स दिया होगा कैश सेल दिया होगा टोटल सेल्स में से कैश सेल घटा देना क्रेडिट सेल्स आ जाएगा ओके नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल आ गया वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो अब वर्किंग कैपिटल तो आप जानते ही हो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी अपॉन नेट सेल्स आ गया आपका वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो तो देखो क्लास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है फिक्स असेट अच्छा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको दिखा देता हूँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल शुरू में बताया था ना तो यही होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जितने फॉर्मूले लिख सकते हो ना लिख के करा करो शॉर्ट नहीं मैं यहाँ भले ही किसी क्वेश्चन में नहीं लिख रहा फॉर्मूला बट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मस्ट है फॉर्मूला प्रेजेंटेशन बहुत है शुरू के एक घंटे तो अच्छे से करना है एकदम ठीक है और मॉक टेस्ट अगर लगा लोगे तो आपकी स्पीड का ही पता चल जाएगा आपकी कितनी टाइमिंग छूट रही है कहाँ पर आपको मतलब एक बार को हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो बट पूरा पेपर करके आना प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है मान लो तो भी चल जाएगा बट पूरा पेपर होना चाहिए कोई क्वेश्चन छूटेगा तो जीरो है प्रेजेंटेशन अगर मान लो बहुत अच्छी नहीं भी करी है तो टीचर समझ जाएगा बच्चे ने आंसर लिखा है नंबर

कितना पैसा आपने लगा रखा है <coughs> स्टॉक्स में वो चार लाख है सी जो है वो चालीस लाख है ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट सी तुमको दे रखा है फोर्टी लैक्स और जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ट्वेंटी परसेंट है कॉस्ट के कॉस्ट कितना है चालीस लाख तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा आठ लाख जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्लास कितना आएगा आठ लाख आएगा चालीस लाख का ट्वेंटी परसेंट कितना आएगा आपका आठ लाख कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो तो सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है आपको कॉस्ट पता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल तो सेल्स जो कॉस्ट है वो है फोर्टी लाख ग्रॉस प्रॉफिट एट लाख सेल्स आएगा फोर्टी एट लाख वर्किंग कैपिटल आपने निकाल लिया चार लाख ट्वेल्व टाइम्स ठीक है क्वेश्चन थर्टीन वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो आपका आंसर आ गया ट्वेल्व टाइम्स

अगर तो सेल्स का वन थर्ड है तो कॉस्ट का कितना होगा वन बाई टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है बीस लाख तो जो जीपी आएगा कॉस्ट कितना है बीस लाख का वन बाई टू तो जीपी कितना आ जाएगा दस लाख ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपको क्लास दस लाख दे रखा है जीपी बीस लाख है वन बाई है आपका क्लास क्योंकि कास्ट पर वन बाई थ्री सेल पे वन बाई थ्री है अब सेल्स तुमको दिया हुआ नहीं है कॉस्ट दिया हुआ नहीं कॉस्ट पे वन बाई टू होगा जीपी मिल गया आपके क्लास दस लाख अब सेल्स अगर तुम निकालोगे तो कॉस्ट प्लस जी पी कास्ट तुमको देखिए ट्वेंटी लाख टेन लाख सेल्स कितना आ जाएगा थर्टी लाख अब मुझे वर्किंग कैपिटल की, की जरूरत है तो वर्किंग कैपिटल का फाम है करंट असेट माइनस करंट लैबिलिटी तो ये रहा करंट लैबिलिटी ढाई लाख करंट असेट दस लाख साढ़े सात लाख फोर टाइम्स ठीक है इस तरीके से इसका आंसर टाइम्स में आता है तो नीचे टाइम्स जरूर लिख देना

तो आपको देखो दिया है, 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 दे है तो ऊपर सेल्स चाहिए अब तो तो से से तो hmm. सेल्स चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि क्लास आठ लाख है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखा है आठ लाख ग्रॉस प्रॉफिट रखा है ट्वेंटी परसेंट किसका सेल्स का सेल्स का ट्वेंटी परसेंट सेल्स पे कितना है कॉस्ट पे कितना है तो कॉस्ट कितना है क्लास आठ लाख और जो जी है वो सेल्स पे वन बाई फाइव है तो कॉस्ट पाने के लिए वन बाई फोर यही शॉर्टकट तरीका नहीं तो तुम एक्स मान के करो बहुत लंबा लग जाएगा ऐसा मत करना सिंपल ऐसे ही कर देना वन बाई फोर कॉस्ट का यानी कि आठ लाख का कोई कैलकुलेशन नहीं करनी ये वैलिड है एकदम बीस लाख और ये क्लास आएगा चार एक कम चार चार दो आठ आठ दो दस लाख यानी कि ज़ीरो टाइम्स

नेट सेल्स अच्छा सेल्स को पूरे चैप्टर में जो नेट सेल्स है उसको पूरे चैप्टर में क्या वर्ड नाम दिया गया वैसे पूरे चैप्टर में क्या आजकल सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलते हैं रेवेन्यू मतलब जो पैसा आ रहा है ऑपरेशन का मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो जो डे टू डे एक्टिविटी में बिजनेस कर रहे हो वो तो नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असेट कह लो या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो बात बराबर है तो देखो वो नेट फिक्स असेट था उसे कंपेयर मत करना क्लास वो पहले जो था ना इससे पहले वो नेट फिक्स असेट था ये नेट असेट है नेट असेट को भी कैपिटल इंप्लॉइड ही कहते हैं गुडलो भी पढ़ रखा होगा आपने नेट असेट को कैपिटल इंप्लॉइड कहते हैं और सेल्स अपॉन जैसे वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर इशो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल फिक्स अट टर्न ओवर इशो सेल्स अपॉन फिक्स असेट नेट असेट टर्न ओवर इशो सेल्स अपॉन नेट असेट नेट असेट को बोलते हैं क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा क्वेश्चन नेट अपॉन कैपिटल कैपिलॉड सेल्स अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड तो सेल्स कितना दे रखा है सेम अभी निकाला था आठ लाख ट्वेंटी परसेंट है कुछ का नहीं है सेल्स का 20 है, नहीं, सेल्स का 1 बाई 4, सेल्स का 1 बाई 5, का, 1 बाई 4 का। है कॉस्ट कॉस्ट होगा अपॉन आपका क्या टू टाइम्स समझिए क्लास बात को किस तरीके से निकालना है नेट असैट या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो नए रेशियोज हैं तो मे भी क्या पता पूछ ले क्लास एग्जामिनर इसीलिए मैंने आपको अच्छे से करा दिया नाउ हमारा आखिरी रेशियो है क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिफरेंट काइंड के प्रॉफिट्स इसके अंदर है उसको हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सारा का सारा आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट लाइक दिस ओके और जीपी रेशियो इसके अंदर सबसे पहला रेशियो है जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसका फॉर्मुला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स अब नेट सेल्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन नेट सेल्स इन टू हंड्रेड और अगर एग्जामिनेशन सॉरी क्वेश्चन में तुम्हें जी पी नहीं दिया है तो जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है क्लास सेल्स माइनस सी ओ जी एस सेल्स में से सीओ जी एस घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा सेल्स में से सीओ जी एस घटा देंगे तो जीपी आ जाएगा सो जीपी रेशियो का फॉर्मला क्या है जीपी अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी अपॉन नेट सेल्स इन टू हंड्रेड आपके पास जीपी रेशियो निकलकर आ जाएगा दूसरा रेशियो है क्लास ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इसका फॉर्मुला है सीओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू हंड्रेड इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू हंड्रेड अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है वो क्या होता है बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे डे टू डे एक्सपेंस आप कह सकते हो बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से कौन से होते हैं लाइक डेप्रीशिएशन लाइक डेपरिशिएशन बिकॉज COGS एस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस आते नहीं है तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे तब ऑपरेटिंग कॉस्ट बनेगा यानी कि ऑपरेटिंग जैसे से जी पी रेशियो जीपी ऑफन सेल्स इन हंड्रेड है उसी तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑन एड इन टू हंड ऑपरिंग कॉस्ट का फॉर्मला सोजी पसरिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है डेपरिएशन प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया क्लास आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड यह सबको मिला के क्या बोलते हैं क्लास आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्लियर है क्लास यहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपने जीपी रेशियो पढ़ा और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो अब एक और रेशियो आता है क्लास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसको बनाते हैं अभी लेकिन पहले इन दोनों को बनाते हैं इन दोनों रेशियोज को पहले बनाते हैं फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पाएंगे अब जैसे क्वेश्चन है क्लास सेवनटीन अ ट्रेड कैरीज एन एवरेज इन्वेंटरी एक लाख इज इन्वेंटरी टर्नओवर ओवर एट टाइम्स ही सेल्स गुड्स एट ऑफ़ 25%। अच्छा ये यहाँ पे पच्चीस फॉर्मूला होता है सी होता है? एस एवरेज इन्वेंट्री एक लाख है उधर भेज दोगे सी ओ जी एस निकल कर आ गया एट लाख जो जी पी है वो पच्चीस परसेंट कॉस्ट का है तो कॉस्ट कितनी है आठ लाख उसका पच्चीस परसेंट मतलब वन बाई फोर तो जी पी आ गया दो लाख आप कैलकुलेशन समझ रहे हो ना तुम्हें सी ओ जी एस ही दे रखा है और जी पी भी सी ओ जी एस का निकालना है पच्चीस परसेंट यानी वन बाई फोर विच इज़ टू लाख अब कॉस्ट प्लस जी पी जो आएगी वो आएगी सेल्स आएगी कितनी आएगी दस लाख ठीक है सेल्स आएगी दस लाख और आपको निकालना क्या है जीपी रेशियो तो फार्मूला क्या है जीपी जीपी निकल के आया आठ लाख सेल्स निकल के आया दस लाख इंटू हंड्रेड विच इज ट्वेंटी परसेंट तो जीपी रेशियो आगे ट्वेंटी परसेंट एक दो तीन चार पाँच छ दो तीन चार पाँच छ कितना क्लास बचा आपका ट्वेंटी परसेंट ऐसे नहीं काटोगे डायरेक्टली दिखा दोगे तो भी चलेगा वो बच्चों की तरह काटने की जरूरत नहीं, नहीं चल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से क्लास आपने निकाल दिया आसानी से जी पी रेशियो विच इज ट्वेंटी परसेंट नेक्स्ट कैलकुलेट कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सी ओ जी एस निकालना है क्या निकालना है सी ओ जी एस और ऑपरेटिंग रेशियो तुमको दे रखा है सेवनटी फाइव परसेंट तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो दे रखा है बारह लाख सब कुछ तो दे रखा है क्योंकि परसेंटेज में आता है तो ना ये हंड्रेड से कट जाएगा दो जीरो दो जीरो सेवेंटी फाइव इंटू एक दो तीन बारह हज़ार ठीक है इज इक्वल टू सी ओ जी एस प्लस एक लाख अब सेवेंटी फ़ाइव इंटू बारह हज़ार करोगे तो ये आएगा नौ लाख माइनस एक लाख सी ओ जी एस जो है वो आ गया आपका आठ लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई कितना क्लास आ गया आपका एट लाख आपको COG सी ओ जी से निकालना था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो आगे आठ लाख मतलब फॉर्मूला पुट कर दिया आपने सिंपल और ये हो गया इसको बोलते है, अच्छा, हैं क्लास ऑपरेटिंग रेशियो अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटिंग रेशियो कहता है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा कॉस्ट काट के तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ के हंड्रेड परसेंट आएगा दोनों को जोड़ के हंड्रेड परसेंट आएगा ठीक है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल होता है इसके नीचे भी सेल है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल सेल अपॉन सेल कट जाएगा तो कितना आएगा one. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वहां ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था दोनों को जोड़ोगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो भी सेल नीचे भी सेल के आ आ गया गया कटेगा एपीसी प्लस एपीएस वन होता है ना इको में वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड इ क्लास कितना आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर तुमको निकालना है लॉन्ग कट बता रहा हूं फिर शॉर्टकट बताऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर तुम्हें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है तो नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा जैसे गुडविल में तुम गेनिंग गुडविल good, में तुम निकालते हो ना जैसे गुडविल में तुम करते हो यार गुडल के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो ना नॉन जो एब्नॉमल लॉस है उसे क्लास ऐड कर देते हो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हो ये वैसा ही है तो एबनॉर्मल गेन यानी कि नॉन ऑपरेटिंग जो नॉन ऑपरेटिंग है जो कभी कभी खर्चे होते हैं रोजमर्रा के नहीं है वो सब आप यहाँ से हटा दो और एक्सपेंस को जोड़ दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया या फिर एक सिंपल तरीका और मैं तुमको बताता हूँ पता है क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को खाली ऑपरेटिंग रेशियो भी कहते हैं प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को जोड़कर जो क्लास आएगा वो 100 परसेंट आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को जोड़ोगे सॉरी <coughs> तो 100 परसेंट आएगा तो अगर एक 70 परसेंट है दूसरा 30 परसेंट एक 80 परसेंट है दूसरा 20 परसेंट एक 90 है, दूसरा 10 परसेंट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इस ऑपरेटिंग रेशियो इज 85 परसेंट अगर ऑपरेटिंग रेशियो 85 फाइव परसेंट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना परसेंट होगा 15 परसेंट सिम्पल बहुत आसान है दोनों को मिला के एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है अच्छा अब यहाँ पे पूछा है क्लास कैलकुलेट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो आओ मनाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट रेशियो कैसे निकलेगा अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड है ना ऑपरेटिंग कॉस्ट अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है तो एक काम करते ना ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो तो हमको पता नहीं है तो एक और तरीका है हमारे पास काम करने का ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने 20, 000, तो 3, 20, आ गया, आपके पास कितना आ गया तीन लाख बीस हजार आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओ जी एस तीन लाख बीस हजार अच्छा अब एक काम करते हैं जब सीओ जी एस तुम्हारे पास तीन लाख बीस हजार आ गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो जीपी ट्वेंटी परसेंट सेल्स का है सेल्स का ट्वेंटी परसेंट मतलब सेल्स पे वन बाई फाइव तो जीपी कॉस्ट पे कितना होगा वन बाई फोर सेल्स पे कॉस्ट पर आने के लिए शुरू में बताया था ना वो बहुत हेल्पफुल है वन बाई फोर तो जीपी कितना आएगा कॉस्ट है तीन लाख बीस हज़ार उसका वन बाई फोर कितना आएगा अस्सी हज़ार तो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारे पास जो निकल कर आया है ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना निकल कर क्लास आया एट्टी थाउजेंड का ग्रॉस प्रॉफिट अस्सी हज़ार का निकल के आ गया ठीक है तो अब से कॉस्ट है तीन बीस प्रॉफिट है अस्सी सेल्स कितनी क्लास आ गई चार लाख सेल्स आ गए चार लाख ये है तीन चालीस इन टू हंड्रेड देखना कितना परसेंट बनता है तीन लाख चालीस हज़ार अपन अभी जो कैलकुलेशन है ना यही पेपर में ज्यादा टाइम ले, ले लेंगे तुम्हारे एटी फाइव परसेंट सो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एटी फाइव परसेंट आ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को टू हंड्रेड माइनस एटी फाइव परसेंट इज़ परसेंट दोनों को मिला के हंड्रेड परसेंट रहता है अगर एक एटी फाइव परसेंट है तो ऑब्वियसली जो दूसरा होगा वो पंद्रह परसेंट होगा आर एक लाइस बात समझ अगर एक है आपका एटी फाइव तो दूसरा होगा वो पंद्रह परसेंट होगा आर एक क्लास बात समझ नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन रेवन्यू फ्रॉपेशन इन टू 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू का जो रेशो है नेट प्रॉफिट रेशियो इसका फॉरमुला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ध्यान रखना ये बिफोर टैक्स नहीं है पूरे सिलेबस में एक ही आफ्टर टैक्स है और वो है नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड या क्लास आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम जो पी एंड एल में आता है आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स अच्छा कभी अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया है

ये एक लाख अरे एक लाख आएगा ना तो सॉरी पच्चीस हज़ार कहाँ एक लाख समझ बैठा था चार लाख है तो आपके पास जो जी आएगा वो आएगा एक लाख तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया आपके पास वो कितना आ गया एक लाख ग्रॉस प्रॉफिट एक लाख का है ठीक है और ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो नाइन्टी परसेंट है जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो कितना है क्लास नाइन्टी परसेंट तो ऑपरेटिंग रेशियो नाइन्टी परसेंट है और जिसका फार्मूला होता है सी ओ जी एस अब सेल्स चार लाख है प्रॉफिट एक लाख है तो सी ओ जी एस कितना होगा तीन लाख भाई सेल्स चार लाख है प्रॉफिट एक लाख है तो कॉस्ट कितनी होगी तीन लाख सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना देखा क्लास दो हज़ार सी ओ जी एस नहीं नहीं ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नहीं पता सॉरी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है मैंने सिर्फ इतना पढ़ा ना नॉन भी लिखा हुआ यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन चार लाख दे रखा है इन टू हंड्रेड अब इसको सॉल्व करने से ना हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा और जो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हमारी मदद करेगा दो जीरो से कट गया दो जीरो नाइन्टी इंटू फोर थाउजेंड माइनस तीन लाख इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़ी सी देखो मैथ्स की कैलकुलेशन जरूर है जो बच्चे मैथ्स जिनके पास होता है वो कैलकुलेशन फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं अपने सब्जेक्ट में तो थोड़े से उनको कैलकुलेशन वगैरह अच्छी हो जाती है उनके बस ये फायदा है तीन साठ माइनस तीन लाख बट ये नहीं कि अगर आप मैथ्स नहीं है तो ये बनेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपके मैथ्स कमजोर है देन तो तीन लाख साठ हजार हो गया और माइनस करोगे तीन लाख तो सिक्सटी थाउजेंड आ गया आपका क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ठीक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास कितना आ गया सिक्सटी थाउजेंड अच्छा अब तुम्हें एन पी रेशियो निकालना है तो नेट प्रॉफ़िट निकालना पड़ेगा तो नेट प्रॉफ़िट कैसे निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट है एक लाख उसमें से माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हर तरह का एक्सपेंस चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो भी घटा दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये आपको ऐड करना पड़ेगा बस और तो कुछ है ही नहीं तो एक लाख में से साठ घटाओ कितना आएगा आपके पास एक लाख में से साठ घटाओगे चालीस हज़ार माइनस दो हज़ार प्लस बाईस हज़ार सिक्सटी थाउजेंड नेट प्रॉफिट आ गया आपके पास कितना सिक्सटी थाउजेंड अब एनपी रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट सिक्सटी थाउजेंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चार लाख है चार लाख का कितना परसेंट साठ हजार होता है पंद्रह परसेंट साठ हजार डिवाइड बाई चार लाख इंटू हंड्रेड विच इज फिफ्टीन परसेंट तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट हो गया कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब आखिरी रेशियो हमारे सिलेबस का आखिरी रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या कह लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहो या कहो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल इन टू हंड्रेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल इंप्लॉइड इनटू हंड्रेड अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ क्लास अलग अलग फॉर्मूला नेट एसेट प्लस वर्किंग होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट ये कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला है बार कॉपी में बैठ के ना सारे के सारे फॉर्मुला अच्छे से लिख के याद कर लेना कुछ भी छोड़ के मत जाना छुट्टियाँ ठीक ठाक मिली हैं क्लास में छुट्टियाँ कम तो देखो नहीं कूँगा बहुत है इतनी छुट्टियाँ इससे ज्यादा छुट्टियाँ तुमको मिलेगी तुम क्या बोलोगे अरे यार बहुत टाइम तब भी नहीं पढ़ोगे तब भी लास्ट के तीन चार दिन ही पढ़ना है तुमको प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स अपन कैपिल इंप्लॉइड इंटू हंड्रेड कैपिलइड का फॉर्मला फिक्स असैड प्लस वर्किंग कैपिटल प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स तो अगर तुमको प्रॉफिट आफ्टर इंसेंट टैक्स दे रखा होगा तो इंटरेस्ट जोड़ना टैक्स जोड़ना प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स मिल जाएगा Uh, देखते हैं क्लास क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर लो प्रॉफिट आफ्टर इंसेंट टैक्स दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इसमें इंटरेस्ट को जोड़ो टैक्स को जोड़ो तो क्या बनेगा क्लास प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स इट्स करंट असेट तुमको दे रखा है करंट लाइबिटी दे रखा है फिक्स असेट तो यार ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मुला ही है फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल करंट असेट करंट लाबिटी दोनों दे रखा है तो तुमको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा कितना है करंट एसेट चार लाख करंट लाइबिटी दो लाख तो वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी दो लाख ,00 और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नेट फिक्स एसेट्स नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल तो फिक्स एसेट तुमको रखा है छह लाख प्लस वर्किंग कैपिटल दे रखा है दो लाख ,00 तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया आठ लाख ,00 अब तुमको प्रॉफिट बिफोर इंटरसेंट टैक्स चाहिए है ना प्रॉफिट बिफोर इंटरसेंट टैक्स अभी थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बता रहा था ना वहाँ पे भी सेम यही लॉजिक था क्या कि डेट जो है अच्छा डेट चार लाख है ना डेट आपका चार लाख है तो दस परसेंट तो इंटरेस्ट आ गया चालीस हज़ार इंटरेस्ट तो चालीस हज़ार आ गया टैक्स ट्वेंटी परसेंट अच्छा एक बच्चों बात बताऊँ अगर ट्वेंटी परसेंट टैक्स आपने दे दिया तो ये जो एक लाख रुपए बचा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने ट्वेंटी परसेंट टैक्स दे दिया था तो ये जो बचा है ये कितना परसेंट एटी परसेंट तुम्हें क्या चाहिए क्लास लाख ट्वेंटी परसेंट तुमने टैक्स का अमाउंट निकालना है तो इससे जो अमाउंट निकलेगा टैक्स निकलेगा अगर तुम इंटू हंड्रेड कर दोगे तो जो फिगर निकलेगी ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट इंटू ट्वेंटी करोगे टैक्स का अमाउंट निकल जाएगा जैसे हमने पहले किया था नहीं तो आप एक्स मान के कर लो कि आप एज्यूम कर लो पी बी आई है फिर इंटरेस्ट जितना है वो घटाओ फिर टैक्स घटाओ कैलकुलेट करके उस फिगर पे फिर पीएटी आपको दे रखा है वो बहुत लंबा हो जाएगा मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने 10 परसेंट टैक्स दे दिया तो डिवाइड बाई नाइन्टी इंटू दस टैक्स आएगा अगर आपने 20 परसेंट टैक्स दिया डिवाइड बाई एटी इंटू इंटू ट्वेंटी बीस परसेंट टैक्स निकल थर्टी परसेंट दिया डिवाइड बाई सेवेंटी बिकॉज थर्टी परसेंट टैक्स दे दिया थर्टी परसेंट टैक्स दे दिया तो जो बचेगा वो सेवेंटी परसेंट है डिवाइड बाई सेवेंटी इंटू थर्टी थर्टी परसेंट टैक्स इंटू थर्टी टैक्स का अमाउंट आएगा तो डिवाइड बाई एटी इंटू ट्वेंटी पच्चीस हज़ार तो पच्चीस हज़ार क्लास क्या आ गया टैक्स आ गया टैक्स जो है वो कितना है क्लास पच्चीस हज़ार तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है क्लास एक लाख इंटरेस्ट हमने निकाला चालीस हज़ार पच्चीस हज़ार का टैक्स है तो हमारे पास निकल के आएगा एक लाख प्लस चालीस हज़ार प्लस पच्चीस हज़ार एक लाख पैंसठ हज़ार प्रॉफिट बिफोर इंसन टैक्स आ गया एक लाख पैंसठ हज़ार बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि क्वेश्चन सही है प्रूव करूँ एक लाख पैंसठ हज़ार से इंटरेस्ट घटाओ सर घटा दिया चालीस हज़ार बच्चा एक लाख पच्चीस हज़ार फिर टैक्स घटाओ पच्चीस हज़ार बच्चा एक लाख प्रॉफिट आफ्टर इंसन टैक्स एक लाख ही दे रखा है यानी करेक्ट है बिल्कुल ठीक है हाँ, तो आर ओ आई इसका शॉर्ट अलाउड है आर ओ आई ये अलाउड है प्रॉफिट बिफोर एक लाख पैंसठ हजार अपॉन क्या एम्प्लॉयड है एट लैक्स इन टू हंड्रेड मैथ्स की प्रेजेंटेशन है जैसे तुम्हारी मर्जी तुम वैसे प्रेजेंटेशन करना बस आंसर तुम्हारा एक लाख पैंसठ हजार ये आएगा ना इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म डेट पे कितना है चार लाख का दस परसेंट चालीस हजार द रेट ऑफ टैक्स ट्वेंटी परसेंट है और हमने सब कुछ सही किया है ना प्रॉफिट आफ्टर इंसन टैक्स एक लाख है एक लाख अपॉन ये तो हमने देख लिया था सही है टैक्स ऐड कर दिया इंटरेस्ट जो है टेन परसेंट है लॉन्ग टर्म डेट पे यानी कि चार लाख पे चालीस हज़ार ये है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड और फॉमूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का फिक्स अट प्लस वर्किंग कैपिटल डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में कहीं है नहीं असट है चार लाख लाइब्रिटी है दो लाख वर्किंग कैपिटल आएगा दो लाख रुपये तो फिक्स असट है छः लाख प्लस वर्किंग कैपिटल दो लाख आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आठ लाख करेक्ट है एक लाख पैंसठ हज़ार डिवाइड बाई आठ लाख इंटू हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट सिक्स टू फाइव 20.62 लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बात बराबर है आंसर बिल्कुल सही आएगा आर क्लास बात समझ तो इस तरीके से हमने आर का भी क्वेश्चन कर लिया और हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियो का वन शॉट रिविजन खत्म हो गया थोड़ी सी वीडियो क्लास लंबी हो गई बट फिर भी यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो से कम से कम क्वेश्चन हमने उठाए एक एक चीज अच्छे से कर लिया formula, अब ये जो इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन है, और जो है का तो वन शॉट आएगा चैप्टर वाइज ठीक है और पूरा वन शॉट भी आ ही रहा है आप देख रहे हो इसके अलावा जो इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन है वो भी मैं इसके बाद करा दूंगा आप इतना स्ट्रॉग करो अच्छे से फिर इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक वीडियो बना के क्लास आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियो दी एंड कर देंगे उम्मीद है क्लास आप अच्छे से पढ़ रहे हो समझ आ रहा है